टॉपिक के अंदर आ, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कमांड है ऑटो कैड के अंदर वो करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ बाउंड्री एंड रीजन स्टार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे कि बाउंड्री एक्चुअली होती क्या है एंड देन रीजन की बात करेंगे एंड देन विल सी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बाउंड्री एंड रीजन कमांड और फिर हम चलेंगे ऑटो कैड की तरफ ताकि हम इसको फॉर्मली परफॉर्म करके देखें और वहाँ पर हम ये जो थोरेटिकल डिफरेंस अभी हम एक्सप्लेन करेंगे उसकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकलिटी वहाँ जाके हम देख लें कि क्या वो जो डिफरेंस हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो कैट के अंदर कैसे नज़र आता है तो अगर हम बात स्टार्ट करें बाउंड्री से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमांड है और इसकी बड़ी डाइवर्स एप्लीकेशंस जो हैं वो आ, बार बार हमें नज़र आएंगी आ, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर भी हम करेंगे आ, जब हम फॉर्मली अपना लॉन्च करेंगे वहाँ पर भी इस्तेमाल होंगी इवन इन इन एरियाज़ कैलकुलेशन हम बाउंड्री की बात करते हैं जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल वी वर्किंग ऑन एनी लार्ज ड्राॅइंग हम किसी किसी शहर के ऊपर बात कर रहे हैं हम किसी हाउसिंग स्कीम पर बात कर रहे हैं तो uh, जब हमें बात करनी होगी कि हमने उसका एरिया कैलकुलेशन में जाना है वहाँ पर बाउंड्री की एप्लीकेशन नजर आएंगी और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बाउंड्री इस लिहाज से भी अहम है सिक्सटी कैड uh, का जो हम वर्जन कर रहे हैं इससे पहले जितने भी वर्जन थे उनमें एक डिफ्रेंस ये भी था कि आप कोई क्लोज ऑब्जेक्ट बना लें कोई भी आपका ऑब्जेक्ट ए बी सी आपने बन गया जब तक आप बाउंड्री कमांड से उसकी बाउंड्री नहीं बनाते थे तब तक वो हैच या ग्रेडियंट जो है वो अप्लाई नहीं होता था अब अब सिक्सटीन जो वरियन है इसमें थोड़ी सी चेंजेस इस तरह हो गई हैं कि सिक्सटीन वरियन में विदाउट मेकिंग एनी बाउंड्री अगर आपका ऑब्जेक्ट क्लोज आपने बना लिया तो आप हैच और ग्रेडियंट कर सकते हैं बट बिफोर सिक्सटीन अगर आप जब वरियंस में थर्टीन ट्वेल्व या इससे पहले वरियंस में करेंगे सो यू नीड टू मेक बाउंड्री बाउंड्री बनाकर देन यू कैन प्रोसीड विद हैच एंड क्रेडियन तो एक तो ये एरिया कैलकुलेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट है अभी हम देखेंगे कि हम अगर सपोज हमने कोई कोई एक ऑब्जेक्ट बना लिया सी अ क्लोज ऑब्जेक्ट जो बाउंड्री नॉर्मल क्लोज ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं तो जब तक हम उसकी uh, जब तक फोर एग्जाम्पल क्लोज ऑब्जेक्ट बन गया बाउंड्री नहीं बनाते तो हम एरिया कैलकुलेशन नहीं कर सकते सो so, चलो यहाँ ये तो बाउंड्री की बात हो गई फॉर्मली हम जाके आगे चलेंगे अब हम बात करते हैं रीजन की रीजन, की। रीजन कमांड इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि फ़र्ज़ uh, करें आप वर्क कर रहे हैं और आप एक हाउसिंग स्कीम पर काम कर रहे हैं या आपने एक घर डिज़ाइन किया है जो कि हमने जाके करना है एंड इट हैज़ फॉर एग्जांपल मैनी बेडरूम्स एक दो तीन चार पाँच छः दो रूम है तीन रूम है को बहुत बड़ा घर है हमारे पास अब आप चाहते ये हैं कि उन घरों का जो कमुलेटिव एरिया उन बेडरूम का जो कमुलेटिव एरिया वो आपके सामने आ जाए आप एक हाउसिंग स्कीम पर वर्क कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस हाउसिंग स्कीम के अंदर जितने रेजिडेंशियल घर हैं उनका कमुलेटिव एरिया आपको पता करना है जितने से uh, आपके पास कमर्शियल uh, प्लाजाज हैं उनका इकट्ठा एरिया कितना बनता है तो वहाँ पे हमारे पास रीजन की बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है जो कि हम इस्तेमाल करके देखेंगे सो हम ये भी देखेंगे कि क्या बाउंड्री से हम एग्रीगेट एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं और रीजन बाउंड्री से डिफ्रेंशिएट uh, किस तरह करता है तो ये सारी चीज़ें अगेन अगर हम समराइज़ करें तो एक इम्पॉर्टेंट कमांड है और बिफोर दीदी दिस जो जो हमारी लॉन्च हुआ है सिक्सटीन वर्जन का इस वर्जन से पहले वो काफ़ी हद तक आ, कोई भी ऑब्जेक्ट बना ले जब तक आप उसकी बाउंड्री क्रिएट नहीं करते थे तो काम नहीं होता था तो अब हम बढ़ते हैं फॉर्मली कैड की तरफ ताकि हम इसको वहाँ पर इन दोनों कमांड्स को एग्जीक्यूट करके देखें सो तो ये हमारे पास हमारी कैट की ड्राॅइंग जिस पर हम वर्क कर रहे हैं सो अगेन मैं बार बार जो हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं अगेन हम इसको सेव लाजमी करेंगे सो so, कोशिश करेंगे कि हम इसको सी ड्राइव में ना करें क्योंकि बाज़ अकात जब विंडोज़ क्रप्ट होती हैं तो वो सी ड्राइव का डाटा हमारा नॉर्मली उड़ जाता है सो so, हम इसको बाउंड्री एंड जो आज अभी हम स्टार्ट किए हमने सो बाउंड्री एंड रीजन कमांड इन आटोकैड के नाम से हम फिलहाल इस फाइल को सेव कर लेते हैं और अब हम फॉर्मली इन दोनों कमांड्स को क्विकली ऑपरेट करके भी देखते हैं तो ये हमारे पास हमारी फाइल सेव हो गई है जिस वरियन में हमने ऑलरेडी सेटिंग्स की थी सो तो अब हम आ, स्टार्ट करने के लिए बाउंड्री अब जैसे कि हमने स्टार्ट किया कि बाउंड्री किसी भी ऑब्जेक्ट जब हमारे पास ड्रा होगा तो उसके बाद बनती है तो इट मीन्स हमारे पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए जैसे आप सपोज अब बाउंड्री की जो शॉर्ट की है जो आप अपने साथ नोट कर लें जो ऑलरेडी आप अपनी शॉर्ट की नोट करते आ रहे हैं बी ओ कमांड जैसे आप एंटर करते हैं तो पहला Uh, जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है एक न, नया डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है पिक पॉइंट इसका मतलब है यू मस्ट हैव सम सम पॉइंट ऑब्जेक्ट सो हम इसको स्केप करते हैं या एंटर करते हैं हम कोई भी एक जो है वो से एक लाइन लाइक दिस वन अगर हम ये ड्रॉ कर दें ये मैंने लाइन से कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया बट इसको भी अब तक हमने क्लोज नहीं किया सो बी ओ कमांड बी ओ इज शॉर्ट की फॉर बाउंड्री हमने इसको एंटर किया uh, जैसे ही हमने क्लिक किया सो so एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन है जिसमें वट इज आस्किंग पिक पॉइंट इट मीन्स ये हमें कह रहा है कि जिस uh, जिस ऑब्जेक्ट को आप बाउंड्री बनाना चाह रहे हैं उसके पिक पॉइंट करें आप पिक पॉइंट जैसी कर्सर लेकर जाते हैं सो so वो कह रहे हैं पिक एंड इंटरनल पॉइंट ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने बाउंड्री uh, के अंदर इंटरनल पॉइंट सेलेक्ट करना है अगर सपोज uh, ये पिक पॉइंट मेरे सामने ऑप्शन है मैं यहां क्लिक करता हूँ so एक मैसेज मेरे सामने आ रहा है दैट इज अ क्लोज बाउंड्री कैन नॉट बी डिटर्मेंड देयर माइट बी गैप्स बिटवीन दी बाउंड्री ऑब्जेक्ट्स आर दी बाउंड्री ऑब्जेक्ट्स माइट बी आउटसाइड ऑफ साइड डिस्प्ले एरिया अब क्योंकि हमने क्लिक बाहर की है तो ये ऑप्शन जो है ये फिजिबल है कि हमारी बाउंड्री ये नहीं बन सकती क्योंकि हमारी जो क्लिक है दैट इज आउटसाइड ऑफ डिस्प्ले एरिया ये हमारे पास ऑप्शन है अगेन अगर आप नोट uh, करें तो वो यहीं पर ही कह रहे हैं पिक एन इंटरनल पॉइंट अब हम अंदर क्लिक करते हैं अब आप दोबारा मैसेज पढ़ते हैं अ क्लोज बाउंड्री कैन नॉट बी डिटर्मेंड माइट बी गैप्स बिटवीन द बाउंड्री ऑब्जेक्ट्स अब पहले रीजन क्या थी हम बाहर क्लिक कर रहे थे तो वो ये वाली थी अब रीजन है देयर माइट बी गैप्स बिटवीन दी बाउंड्रीजेक्ट यस देर इज अ गैप आप यहां से देखें सो so, अक्सर आपने कंफ्यूज नहीं होना अब करते हैं और पांच दफा ऐसा भी होता है कि आपने कोई बाउंड्री ड्रा की और बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है दो पॉइंट के दरमियान और आपने उसको बहुत इस लेवल पर देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये मेरी बाउंड्री क्लोज है और जैसे आप बी ओ की कमांड लगाते हैं सो तो वहां पर आपको अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं सो इसका मतलब क्या है कि हमारी बाउंड्री इज नॉट क्लोज सो वी वी मस्ट क्लोज अवर बाउंड्री फर्स्ट सो अब हम क्या करते हैं ये वो हमें आ, निशान भी दिखा रहा है कि ये दो एक्चुअली इनको आप मर्ज कर देंगे तब ये बाउंड्री बनाएगा क्योंकि सो सपोज so, अब हम इनको आपस में मिला लेते हैं और अब अगर हम बीओ की कमांड लगाए और अगेन वही सेम पिक प्वाइंट अब आप नोट करें सो so, उसने सेलेक्ट कर लिया आप एंटर करेंगे अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूं नाउ दिस इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट सो so, बाउंड्री बनाने के लिए अब हमारे पास ये सिंगल ऑब्जेक्ट है इसी तरह का एक और ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं और फिर हमें थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि बाउंड्री बनाने से पहले और बाद में डिफरेंस क्या है अब हम आ, आगे जाके हमने एरिया के मेथड्स भी देखने हैं कैलकुलेशंस भी करनी है बट क्विकली एरिया की जो हम जब बात करते हैं सो so, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ यहां पर क्लिक करूँ और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में यहां से जाऊँ क्या किया है आल आई डिड मैंने इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया और राइट right क्लिक करने के बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज में गए अब अगर हम इसके नीचे आए तो आप नोट करें सुनाओ ही इज स्टेटिंग द एरिया दैट इज सिक्सटीन पॉइंट जीरो हमने अभी यूनिट सेट नहीं किए तो ये विदाउट यूनिट्स आ रहा है अगेन आप जब यूनिट्स इसके सेट कर लेंगे ड्रॉइंग के सो यह स्क्र इंचज और स्क्वेयर फीट में आ रहा होगा ये एरिया तो आ रहा है बट अगर आप इस ऑब्जेक्ट पे आए दोनों की शेप मोरल सेम है बट इसमें क्या है आपके पास एक्चुअली थ्री हमारे पास अगर हम दोबारा हैं सो so ये वन लाइन टू लाइन्स एंड थ्री लाइन्स सो बेसिकली देर आर थ्री लाइन्स तो आप इसका एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें एरिया की बात हम करेंगे हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा तो उस वक्त हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ये वाली कमांड जो है बाउंड्री की कमांड एग्जीक्यूट करें सो so एक तो हमारे पास ये चीज क्लियर हो गई अब आप अगर हम इसके साथ पैरेलल मूव करें हैच कमांड दैट इज एच एंटर सो so, अब इस पर हम क्लिक करें अब आप नोट करें तो ये हैच कमांड यहां पे एग्जीक्यूट कर रही है ऑपरेट कर रही है बट अगर आप इससे पहले वाले वर्जन 16 से जितने पहले वर्जन आप नोट करेंगे उस वक्त हैच कमांड भी वो आपको कहेगा कि आप पहले इसको बाउंड्री बनाए एंड देन यू कैन प्रोसीड विद नॉर्मली विद हैच सो so, यहां पर आप हैच कर लेंगे अब सपोज uh, हम इसको भी बाउंड्री बना लेते हैं हम फर्ज करते हैं ये हमारे पास एक बाउंड्री है ये हमारे पास कोई और बाउंड्री है और इसी को हम यहां से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लेते हैं सपोज ये हम किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं और ये हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं और इन तीन ऑब्जेक्ट्स का हम इकट्ठा एरिया मालूम करना चाह रहे हैं कि अगर सम करें टोटल करें तो इन तीन ऑब्जेक्ट्स का एरिया कितना होगा अब इन तीन ऑब्जेक्ट्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा बाउंड्री कमांड लगा के हम देखते हैं बाउंड्रीज या रियालिडी तीनों बनी हुई हैं अब हम फर्ज करें कमांड जो हमारे पास कमुलेटिव एरिया फाइंड आउट करने के लिए दैट इज मैस प्रॉप एम ए डबल एस और आप नोट करें तो खुद ब खुद ये है मैस प्रॉपर्टीज इसका मतलब है कि अगर आप कमुलेटिव प्रॉपर्टीज देखना चाह रहे हो आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देन विल यूज दिस मैस प्रॉप कमांड आप इस पर करते हैं एंटर सो so, हम वन टू क्योंकि ये हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं इन तीन का एरिया फाइंड आउट करना है और आल यू नीड टू डू इज प्रेस एंटर बट आर दैसेज इज नो सॉलिड आर रीजन सेलेक्टेड वट इज से बाउंड्रीज हैं बट रीजन नहीं है या सोलिड नहीं है सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउटलेटिस्ट है दरमियान हम बीओ एंटर करेंगे ये पिक पॉइंट नहीं करते हम नीचे आते हैं ऑब्जेक्ट टाइप वट इज आस्किंग ऑब्जेक्ट टाइप सो ऑब्जेक्ट टाइप इज रीजन इट्स नॉट पोलीलाइन इट्स रीजन हम यहां से क्या करेंगे रीजन का एरियां so, enter. हमने एंटर का बटन प्रेस किया आप नोट करें दिस वन दिस वन एंड दिस वन अब हम दोबारा मैस प्रॉप की कमांड लगा के विल we'll वेरीफाई के क्या दोबारा ये एरिया फाइंड आउट करता है या नहीं सो so, मैस प्रॉप वन टू एंड थ्री सो जैसे ही हम एंटर का बटन प्रेस करते हैं एक आपके सामने एक टैब छोटी सी ओपन होती है सो वट इज स्टेटिंग दिस इज दमुलेटिव एरिया अगेन क्योंकि हमने अभी इसके यूनिट्स सेट नहीं किए अब हम क्विकली यहाँ पर यू एन करके और इसको भी सेट कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो हम इसको जीरो जीरो रख लेते हैं और डी टाइप करके हम मयर यूनिट्स भी इसके सेट कर लेते हैं देन वी कैन सी द बेसिक डिफ्रेंस नाउ अगेन क्योंकि ये रीजन्स बने हुए हैं ऑल वी नीड टू डू इज डू इज मैस प्रॉप एम ए डबल एस पी आर ओ पी एंटर सो वन टू एंड थ्री सो हम यहाँ पे करते हैं एंटर तो so, अब आप नोट करें सो वी कैन सी एरिया इन स्क्र इंचज एंड दैट इज सिक्सटी वन स्क्वेयर इंच तो इस तरह हमने अगर कमुलेटिव एरिया फाइंड आउट करना हो किसी भी ऑब्जेक्ट का तो हम कर सकते हैं तो so, बाउंड्री और रीजन में बुनियादी फर्क जो नज़र आया कि दोनों ही क्लोज ऑब्जेक्ट बनाते हैं बट रीजन में जब हम क्लोज ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो हम इकट्ठे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके उनका इकट्ठा एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं बट बाउंड्री के केस में हमने देखा कि वो ये एरिया हमें फाइंड आउट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा था बाउंड्री का जो बेनिफिट था दैट वाज कि आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे पहले वर्जन में आप हैच और ग्रेडियंट कर सकते हैं तो इन दोनों कमांड्स के साथ आगे जाके जब हम अपने प्रोजेक्ट में फॉर्मली इनको लॉन्च करेंगे अप्लाई करेंगे इन कमांड्स को सो आई होप कि ये हमारे लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होंगी सो so, uh, यहाँ पर हमने बाउंड्री और रीजन कमांड को अप्लाई करके देखा और हमने देखा कि किस तरह विद दी हेल्प ऑफ दीज बोथ कमांड्स हम नॉर्मली uh, अपने एरियाज कैलकुलेट कर सकते हैं और हमारे क्लोज ऑब्जेक्ट बन जाते हैं उन ऑब्जेक्ट की आप इजीली प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं सो विद द हेल्प ऑफ दीज कमांड्स इंशाल्लाह आगे प्रोजेक्ट के अंदर जाकर ये असिस्ट करेंगे